नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सर्व भारतीय संगठन गरीब भारत के उद्योग से पालन किया गया ऐतिहासिक विजय दिवस। कई जाने माने कीर्तिमान सेनानियों को दिया गया संवर्धना। आंध्र प्रदेश के नंदवाल रेल स्टेशन में सड़क हादसे में मारे गए तन्मय नाथ की परिवार सदस्यों के साथ बोरकला के विधायक ने किया मुलाकात, दिया आर्थिक सहयोग। हालाकांदी रोड क्षेत्र में गौतम कंस्ट्रक्शन के सड़क निर्माण कार्य पर कई सवाल दागा इलाके के लोगों ने। जमे हुए पानी से परेशानी झेल रहे इलाके के लोग। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए विभिन्न बैंक संगठन के कार्यकर्ताओं ने पालन किया धरना विक्षोभ कार्यक्रम। बेसरकारीकरण किए जाने के मुद्दे को लेकर नाराजगी व्यक्त किया बैंक कर्मचारियों ने। बोरकला विधानसभा केंद्र के हाथीचूड़ा क्षेत्र में सड़क हादसे में दो व्यक्ति बुरी तरह घायल। भेजा गया सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में। इलाके में छाई तनाव की माहौल। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। हर साल की तरह इस साल भी सर्व भारतीय संगठन गरीब भारत के कार्यकर्ताओं को दुख से आनंद उल्लास के साथ ऐतिहासिक विजय दिवस पालन किया गया। गौरतलब है कि सन 1971 साल के इसी दिन भारतीय सेनावाहिनी ने पाकिस्तान सेना को परास्त कर स्वाधीन बांग्लादेश का जन्म दिया था। भारतीय सेनावाहिनी के लिए बहुत ही गौरवमय दिन यह था। सन 1971 के आज ही के दिन पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रधान लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी, जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी के सदस्य हैं, उन्हें 90,000 पाकिस्तानी सेनाओं के साथ भारत के सामने घुटने टेकने पड़ा था। इस क्षेत्र में तत्कालीन ईस्टर्न कमांड प्रधान लेफ्टिनेंट जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा के सामने घुटने टेकते हुए विश्व के इतिहास में सर्वबृहद सैनिक आत्मसमर्पण को अंजाम दिया गया था। इसी दिन बांग्लादेश का भी स्वाधीनता हुआ था। इस कार्यक्रम के अवसर पर सिलचर के असम राइफल के सिलचर स्थित एक सर्विसमैन कार्यालय में प्राक्तन सेना जवानों को लेकर एक सम्मानना प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया गया और स्थिति को पालन किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में पहले चरण में भारत माता की प्रतिमूर्ति पर पुष्पांजलि व माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात सेना कर्मियों के हाथों मिठाई देकर तथा उन्हें उत्तरीय प्रदान कर सम्मानना प्रदान किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में असम राइफल एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के सभापति सूबेदार मेजर प्रदीप कांति दास, संपादक सूबेदार अमी कुमार दास, सूबेदार स्वर्गीय राजन लिंबू की पत्नी कमला देवी, प्रियतुष कृष्ण दत्त के स्वर्गीय व्यक्तित्व तथा उनकी पत्नी शंकरी दत्तगुप्त, सूबेदार मेजर श्रीनिवास पाल, सूबेदार मेजर विष्णु कुमार जयसी, सूबेदार मेजर कार्तिक दत्त, सूबेदार जीत बहादुर राणा, हवलदार भोपाल दास, हवलदार मान कुमार राय व दूसरे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में संवर्धना प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया गया। इस दिन गरीब भारत संगठन की ओर से सर्व भारतीय सभापति मणिभूषण चौधरी, राजस्थान से आए गरीब भारत के सांगठनिक संपादक प्रशांत जी, असम राज्य समिति के सभानेत्री स्वर्णाली चौधरी, बराक घाटी के साधारण संपादक सुमित राय, उपदेष्टा सुजीत राय, मधुमिता नाग, कछार जिला संपादक जंटू नाथ, सूरज कुमार, आशीष चक्रवर्ती, श्रीवास दास, रूना राय, रूहिका राय व दूसरे कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। कम से कम 93,000 पाकिस्तानी फोर्स हमारा इंडियन फोर्स आगे आत्मसमर्पण कर, ये सबसे हमारे लिए गौरव का दिन था। जो इंडियन फोर्स उस जमाने में हमारा जनरल मानिकशा जो फील्ड मार्शल था, जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा था ईस्टर्न कमांड चीफ, इनका बदौलत इनका रणनीति इसका बदौलत ये अपना जीत हासिल हुई। ये जीत सिर्फ हमारे इतने हासिल नहीं हुआ, ऐसा बात नहीं, ये हासिल इसलिए हुआ क्योंकि हम एक दक्ष सैनिक का परिचय जिसमें लग में लेके वो बॉर्डर में मैं पास कर, मैं करते थे ये लोग कपड़ा पास करते थे ये लोग
दवाई पास करते थे ये लोग। ऐसा हम लोगों का स्वीडन में भी मैं उत्साहित कर दिया जी, यहाँ ये हम ये जंग हम लोगों का जीतना ही है। तो हम लोगों ने जीता हुआ है, इसका यही मालूम है। देखिए कारगिल की भी, कारगिल का युद्ध भी ऐसा ही समाप्त हुआ है। हाँ, हम लोग इसका एक मतलब होता है जो पहले जय भारत। पिछले 9 दिसंबर को अलकापुर समष्टि के 152 नंबर ग्रुप के बूथ प्रेसिडेंट श्री तन्मय नाथ आंध्र प्रदेश के नंदयाल रेल स्टेशन में सड़क हादसे में अपनी जान गंवा चुके थे। बोरकला के भूतपूर्व विधायक किशोर नाथ ने उनके परिवार सदस्यों के साथ मुलाकात कर उनके प्रति गंभीर संवेदना ज्ञापन किया और परिवार सदस्यों को आर्थिक सहायता प्रदान किया। साथ ही उनकी दो बच्चे, पत्नी तथा माँ को भी हर प्रकार की सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। विधायक किशोर नाथ के साथ इस दिन के कार्यक्रम में हालांकि जिला नाथ योगी सम्मेलन के सभापति मीनाकांति मजुमदार, ननी गोपाल नाथ, दिलीप भौमिक, हालांकि जिले के ओबीसी चेयरमैन जवाहरलाल नाथ, जीपी सभापति जयंती रविदास, बीजू नाथ, साधारण संपादक श्रीपुर मंडल सभापति अवरांशु चौधरी, निरुपम नाथ, डालिम हुसैन, आदित्य गिरी बरपात्र और दूसरे वरिष्ठ कार्यकर्ताकर्मी भी इस दिन के इस कार्यक्रम में मौजूद थे। हालांकि रूट के मेहरपुर क्षेत्र के रहने वाले लोग गौतम कंस्ट्रक्शन के सड़क निर्माण के कार्य पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। बेहाल यातायात परिसेवा, जमे हुए पानी की परेशानी तथा कई और पहलुओं को लेकर इस दिन हालांकि रोड के मेहरपुर क्षेत्र के रहने वाले लोग पत्रकारों के साथ विस्तारित क्षोभ उजागर की और बातचीत के दौरान उन्होंने गौतम कंस्ट्रक्शन पर सड़क निर्माण के क्षेत्र में कई लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया। देखिए हल्लाकान्दि रोड ये रास्ता डबल लाइन के हुई है, यहाँ ट्रेन में हमारा विराट एक समस्या हो दाड़ा है। हाटल पॉइंट थे सेकेंड लिंग पॉइंट तो ट्रेन जे आगे हाइट आसो हमारे कहा रास्ता थे एक फुट उपरे रही रास्ता जोटा इं ट्रेन इंटर डुकब এখন দেখা যায় 3 ফুটের উপরে আছে ড্রেনের হাইট। এই যে আমরা সমস্যা এত দূর অঞ্চলে যে বসত বাড়ি আছে, দোকান আছে, এটা আমরা আচ্ছা আপনারা যে অ্যাকশন কোম্পানি তারা যে আপনারা দেখুন ওই যে আগের যে সেদাটা রাখছে যে এটা রাখছে 1 ফুট আগে 1 ফুট উপরে নিচে ড্রেন থাকিয়া এখন যে জলটা মানে রাস্তা জলটা যে ড্রেনে ডুববো এখন কীরকম ডুববো এখন রাস্তার ড্রেনের গভীর হাইট আছে 3 ফুটের উপরে এই সমস্যাটা সমাধান না করুন না তো এই ড্রেন তো রাস্তা তো রাস্তা জল রয়ে যাবো ওটা তো ড্রেনও যেত না যেটার জন্য করা হইল মানে এটা হাইলাকান্দি রোড মেরপুর কাটাল পয়েন্ট থেকে সেকেন্ড রোড পর্যন্ত আমরা মানে পাবলিকের অসুবিধা মানে ওটা অসুবিধা হয়েছে যে প্রথম কন্ডাকশনে যে কাজ করছে ড্রেনের হাইটে আমরা প্রথম দেখাইছি যে ড্রেন থেকে 1 ফুট নিচে রাস্তা হইব এখন দেখতে দেখা যায় একটা যে এই সাইডে ড্রেনটা 1 ফুট মানে নিচে আছে রাস্তা কিন্তু এই সাইডে লেখা 3 ফুট নিচে হয়ে গেছে রাস্তা। আজকে আমরা দোকানঘর আছে যে বাড়ির রাস্তা আছে এটা তারা কইছে র্যাম বানাই দিব, এটা র্যাম বানাই এটা প্রবলেম সলভ করুন না আমরা। আর তারা এখন কইতে করছে যে রাস্তা মানে যে নিচে দিয়া দিছে যে রাস্তা এই রাস্তার দিকে দিলে জলটা যে ড্রেন জলটা উঠতে মারবো রাস্তা, রাস্তার জল জমলে আমরা আগের থেকেই প্রবলেমটা আমরা মানে কাটিছি দেখছি ভাবছি মেসুস করছি আমরা এই জলটা রাস্তা দিয়ে আবার সিরিয়া চলে গেল। কাটাল পয়েন্ট মসজিদ আছে
মসজিদ থেকে আর সেখানে ওটা মুখ পর্যন্ত প্রায় কত কিলোমিটার? এক কিলোমিটার হইব। এক কিলোমিটার? এক কিলোমিটার হয় না, এক কিলোমিটার কিনা তো হইব। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर में पूरे देश के साथ संगति रखते हुए बराक घाटी के तीनों जिले में कसार कर्मा झालाकांद जिले के कई बैंक संस्थान के कार्यकर्ता तथा कर्मचारीगण प्रतिवाद कार्यसूची में भाग लिए। गैर सरकारीकरण किए जाने के मुद्दे को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए पूरे देश के साथ संगति रखते हुए दो दिवसीय बैंक धर्मघट कार्यक्रम पालन किया जा रहा है। कसार कर्मा झालाकांद जिले के SBI तथा सभी स्तर के बैंक कर्मचारियों ने इस दिन कर्म विरति पालन कर धरना विक्षोभ कार्यक्रम में योगदान दिया और सरकार के प्रति अपनी मांगों की आपूर्ति का अपील भी रखा। ব্যাংক ব্যবসায়ীদের জমা চক্রান্তের বিরুদ্ধে এবং ব্যাংকিং আইন সংশোধনের বিরুদ্ধে 2021 প্রত্যাহারের দাবিতে আজকে এবং কালকে দেশের 8 লক্ষ ব্যাংক কর্মচারী ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংক ইউনিয়নের ব্যানারে কর্মঘটে নেমেছেন। আমাদের দাবি হল ব্যাংকিং আইন সংশোধনের 2021 প্রত্যাহার করতে হবে এবং পাবলিক সেক্টর ব্যাংকগুলিকে আরও শক্তিশালী করে গঠন করতে হবে এবং আগামীতে আমরা আরও বড় আন্দোলনে নামার জন্য প্রস্তুত। দেশের সমস্ত জনসাধারণের কাছে আমাদের অনুরোধ, আসুন একজন প্রকৃত দেশপ্রেমী হিসাবে এই সর্বনাশা যে ব্যাংকিং আইন সংশোধনের বিল, এটাকে প্রতিহত করার জন্য আমরা সবাই মিলে একসাথে প্রতিরোধ গড়ে তুলি। बोरखोला विधानसभा केंद्र के आतीचौड़ा क्षेत्र में सड़क हादसे में दो व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गए हैं। सूत्र के अनुसार बंदुर्गा मंदिर के सामने टीपर व टाटा DID गाड़ी के साथ आमने सामने टक्कर होने पर गाड़ी के चालक व सह चालक बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें बाद में शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय में इलाज के लिए भेजा गया। इधर हादसे के बाद क्षुब्ध लोगों ने सड़क अवरोध किया, तत्पश्चात पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हालात पर नियंत्रण पाया गया और इस क्षेत्र में जल्द से जल्द डंपर व दूसरे भारी वाहनों की यातायात पर कई क्षेत्र में पाबंदी डाले जाने के लिए भी मांग रखा गया। मध्ये मार बोरखोला कॉन्स्टिट्यूएंसी माध्यम हाथीछोड़ा जिपिर अंतर्गत महासड़के एक टिप्पर एवं एक DI गाड़ी मुखोमुखी संघर्ष है। इस संघर्षे किछु ड्राइवर किछु जखम हुए बोधहय, संगे छिलेन आरो दुजन लेबर, सेई लेबरेरो किछु जखम हुए, ताई उनादेरके মেডিকেল নিয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত কোথাতে কি হয়েছে তা জানি না ওনাদের। এই ঘটনাটি কোন জায়গাতে হয়েছে? হাতিচড়া জিপির বনদুর্গা মন্দিরের আশপাশ। কেউ মারা গিয়েছেন, ডেথ হয়েছেন স্পট? না না, সেরকম মারা ওরা যায়নি, জখম হয়েছেন ড্রাইভার একটু বেশি এবং ওনার লেবার যারা ছিল ওনারাও একটু জখম হয়েছে। তো যাত্রা লইল, ধরো ভাই, ধরো ধরো, সবাই মিলিয়ে ধরো। हालाकांद जिले के आयना खाल जीपी के अंतर्गत सिंगला चाय बागान स्थित अयोध्या राय मेमोरियल हाई स्कूल को प्रादेशिकीकरण किए जाने के मांग पर परिचालन समिति के कार्यकर्ताओं ने एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए विस्तारित खुलासा किया। स्कूल के परिचालन समिति के सभापति रूप नारायण राय का कहना था कि सन 1990 साल में स्थापित होने के बाद 30 साल बीत जाने के बाद भी अब तक स्कूल को प्रादेशिकीकरण नहीं किया गया है, जिससे चाय बागान क्षेत्र के छात्र छात्रा बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। अगर इस स्कूल को प्रादेशिकीकरण कर लिया गया तो छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य गठन में एक अहम कदम उठाया जाएगा। मुद्दे को लेकर उन्होंने विस्तारित खुलासा भी किए। स्कूल की प्रतिष्ठा 1990 इंग्रजी ते और एखानकार जो ऐले मेरा आछे ओदेर के जाते ओरा उच्च शिक्षा पेते पारे से उद्देश्य निये एखानकार जनसाधारण एभावे स्कूल टी गढ़े तुलेछिलेन। अवश्य एर पिछने एकटा कारण छिलो, 1990 সালে আমাদের এদিকে একটা দাঙ্গা বেঁধেছিল আর সেই দাঙ্গার জন্য বাইরে ছেলে মেয়েদের যাওয়া একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। তখন এখানকার জনসাধারণ ভাবনা চিন্তা করে আর এখানে ওরা একটা হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করল। সুদূর সেই 90 ইংরেজি থেকে আজ অদ্যাবধি বিদ্যালয়টি চলে আসছে। সরকারের কাছে আবেদন নিবেদন করা হয়েছে
স্কুল ইন্সপেক্টর হাইলাকান্দি দ্বারা এটা তদন্ত হয়েছে এবং রিপোর্টের পরে ক্লাস এইট থেকে পারমিশন আরম্ভ করে 2006 ইংরেজিতে ক্লাস নাইনের পারমিশন এবং 2009 ইংরেজিতে ক্লাস টেন রিকগনিশন লাভ করেছে স্কুলটা। আসামের শিক্ষামন্ত্রী এবং আসামের মুখ্যমন্ত্রীকে আমার অশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে আমার কথার এখানেই বিরাম দিচ্ছি। ভারত মাতা কি জয়। সমাচার অমৃতিং ছোট সব বিরাম। আয়েশা কারবাজার রহমান বাড়ি রোড মালুগ্রাম শিলচর। এখানে আপনারা পাচ্ছেন সব ধরনের বাহন ক্রয় বিক্রয়ের সুব্যবস্থা। এছাড়াও রয়েছে ফাইন্যান্সের মাধ্যমে সুলভ মূল্যে কম খরচে ফাইন্যান্স প্রদান করার ব্যবস্থা রয়েছে। ইএমআই এর সুব্যবস্থা, ব্যাংক ব্যালেন্স পে করার ব্যবস্থা এবং সেই সঙ্গে যে কোনো ধরনের বাহন কেনার ক্ষেত্রে সুলভ মূল্য ছাড়। তাই আজই যোগাযোগ করুন আয়েশা কারবাজার মালুগ্রাম বিসি গুপ্ত রোড শিলচর 1, দূরভাষ 9127881931 এবং 6913415173। গাড়ি ক্রয় বিক্রয়ের জন্য এক নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। তাই গাড়ি ক্রয় করতে হলে কিংবা বিক্রয় করতে হলে আজই যোগাযোগ করুন আয়েশা কারবাজার রহমান বাড়ি রোড মালুগ্রাম শিলচর। ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টিকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি শিলচর। এখানে আপনারা পাচ্ছেন বেডরুম সেট, সোফা সেট, প্রিমিয়াম চেয়ার, ফ্রিডম চেস্টার, স্মার্ট ফার্নিচার এবং রকমারি প্লাস্টিকের আইটেম। এছাড়াও নীলকমল, কার্লন, কসমো এবং বিভিন্ন কোম্পানির উন্নত মানের আসবাব এবং ফার্নিচার। উল্লেখযোগ্য হোলসেল শোরুম হচ্ছে রাধা মাধব রোড বিলপার ইন্দ্রপ্রস্থ হোটেলের পাশে এবং রিটেল পয়েন্ট হচ্ছে শ্যামাপ্রসাদ রোড শিলংপট্টি শিলচর। দূরভাষ 03842261660 এবং 9435072166। তাই উন্নত মানের ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শোরুম রাধা মাধব রোড বিলপার শিলচর। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारों सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट, वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। समाचारों के अगले चरण में कछा जिले के लालापुर क्षेत्र में 12वीं सिगरेट जब्त किया गया। आइजोल से शिलचर ले जाए जाने के दौरान लालापुर पुलिस थाने के पुलिस कार्यकर्ताओं ने लगभग 8 कार्टून 12वीं सिगरेट जब्त किया। AS11CC1388 नंबर के ट्रक से यह सिगरेट जब्त किया गया। सिगरेट के साथ साथ नूर अहमद नाम के ट्रक चालक को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसका घर शिलचर के कनकपुर क्षेत्र में बताया जा रहा है। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है और जब्त किए गए 12वीं सिगरेट्स को अपने हिरासत में ले लिया है।
क्या हुआ? हाँ, गाड़ी लेकर जा रहे थे हम अपने। हाँ, क्या लोड है? दूसरा आया, खाली गाड़ी लेकर मैं जा रहा था, एक दोस्त है मेरा। हाँ, तो मेरे को बोला मेरा गाड़ी खाली पैसा दिया है मैंने। कितना पैसा दिया है? 6,000 रुपये दिया। किसको दिया है? ये क्या इमरूल? हाँ, इमरूल। हाँ, उसको फिर दे के उसके बाद मैं और तो बोला पाँच रुपये चलो वहाँ पर जाके तुम्हारा और पैसा दे देगा, गाड़ी निकल जाएगा। गाड़ी उधर में पकड़ा गया हमारे को। ठीक है। असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद आला गांधी जिला कमेटी की ओर से भैरवी से सिलचर की यात्री भाई ट्रेन सप्ताह में 7 दिन चलाए जाने की मांग को रखते हुए स्मारक लिपि एनएफ रेलवे के एरिया मैनेजर बदरपुर के माध्यम से डिविजनल रेलवे मैनेजर को प्रदान किया गया। इस संदर्भ में कार्यकर्ताओं ने नाराजगी व्यक्त करते हुए रेलवे विभाग से कई मांग भी रखे। असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद आला गांधी जिला समितिर एक प्रतिनिधि दल आज के बदरपुर रेलवे एरिया मैनेजर संगे দেখা করে হাইলাকান্দি জেলার বৈরবী থেকে শিলচরগামী যে যাত্রীবাহী যেটা রেল আছে এই রেলটা পূর্বে করোনা মহামারীর সময় এই ট্রেন রেলটা বন্ধ হয়েছিল, দীর্ঘদিন পরে রেলটা চালু হয়েছে। কিন্তু কথা হয়েছে কি যদিও চালু হয়েছে সপ্তাহের মাঝে দুদিন, আমরা আজকে মেমোরেন্ডামের মাধ্যমে আজকে এরিয়া ম্যানেজারকে দাবি দিয়েছি যে অতি শীঘ্রই এই ট্রেন রেলটা সপ্তাহে 7 দিন চালু করার জন্য আমরা রেলের ডিআরএম লাভডিং এবং এরিয়া ম্যানেজারকে আমরা দাবি জানাচ্ছি। স্যার আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন যে স্যারের সঙ্গে মিলার পরে স্যার আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন যে এটা অতি শীঘ্রই এটা চালু করার জন্য চালু করবেন বলে জানাচ্ছি। कछा जिले के काटीगुड़ा दिगरखाल कालाइन आदि क्षेत्र में कोयला सिंडिकेट के जरिए बड़े पैमाने पर काले हीरे की तस्करी चल रही है। कोयले की तस्करी से जुड़े कार्रवाई में पुलिस प्रशासन को भी जुड़े रहने का लोग आरोप लगा रहे हैं। कई कार्यकर्ताओं का कहना है कि मिली जुली भगत के चलते पुलिस प्रशासन व कई राजनेताओं के सहयोग से यह काले कारोबार चल रहा है और काले सिंडिकेट को चलाए जाने वाले लोग अक्सर 2-1 ट्रक कोयला पकड़ कर केवल कानून के सामने अपनी गतिविधि को प्रकाश करते हैं, जबकि पूरा सिंडिकेट राजनीति के आड़ में पुलिस प्रशासन को अपने हाथों में लेकर चलाई जा रही है। आरोप प्रत्यारोप को लेकर कई आरोप तो चल रहे हैं, लेकिन आखिरकार कोयले के कालो व्यापार सिंडिकेट राज के जरिए जोनों पर बड़ा घाटी सहित उत्तर पूर्वांचल में चल रहा है। सड़क हादसों की रोकथाम के चलते पथारगंधी में आयोजित हुआ सचेतता मूलक अभियान। मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा के निर्देश के आधार पर पूरे राज्य के साथ संगति रखते हुए दुर्घटनाओं की वारदात पर काबू पाने के उद्देश्य से सामने रख राज्य परिवहन विभाग तथा पुलिस प्रशासन के कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से पूरे राज्य में यह जागरूकता मूलक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पथारगंधी क्षेत्र में भी इस दिन पथारगंधी पुलिस तथा एनफोर्समेंट विभाग के कार्यकर्ताओं के उद्योग से जिला परिवहन विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में जागरूकता मूलक कार्यक्रम चला जा रहा है और कई क्षेत्रों में वाहनों की लाइसेंस जांचे जा रहे हैं और यातायात परिसेवा में किए जा रहे गैर जिम्मेदाराना गतिविधियों के बारे में लोगों को जागरूक भी करवाया जा रहा है। सब आम केवल पथारकानी न गोटे गोटे करीमगंज जिला आम बदरपुर करीमगंज टाउन सूतारकान्दी नीलम बजार आम सबते आम आम ऑनरेबल सीएम सर निर्देश मर्मे যাতে রাস্তার রোড এক্সিডেন্টটা কমাব লাগে সেই কারণে আমি পুলিশ ডিপার্টমেন্ট আর ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট আমার যৌথ সহযোগত আমি বিভিন্ন ঠাইত পথ সুরক্ষার কারণে আমি মানুষক এটা এওয়ারনেস আনিব বিচাৰি আছো আর তার কারণে আমি হেলমেট সিট বেল্ট আদি করে আমি মানুষখিনিক যাতে রাস্তার যাতে দুর্ঘটনাবিলাক কমাব পারি তার কারণে আমি পদক্ষেপ লৈছো আমার ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট। সব আমি বিভিন্ন সময়ত আমি আমার এক জিলাখনত আমি বিভিন্ন ঠাইত আমি যিমান পাৰো আমি চলাই থাকিম, গতিকে আমি এইটো আমাৰ অনির্দিষ্টকাললৈ কোনো সময় সীমা বা তেনেকুৱা আমাৰ দিন বাৰ নাই, আমি অহৰহ আমি চলাই থাকিম। কাৰণ অহৰহ চলাই থাকিলেহে মানুহৰ মাজত এটা সজাগতাটো আমি কেনেকে আনিব পাৰো আমি সেইটোৰ ওপৰত। অনুসূচিত জাতি মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহী সভা কৰিমগঞ্জ জিলাত আয়োজিত হ'ব যায়।
करीमगंज के नीलमणि स्कूल खेल के मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए राज्य के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में विस्तारित जानकारी प्रदान किया गया। गौरतलब है कि इस पत्रकार सम्मेलन में राज्य के स्तर के चेयरमैन बधु सहस्त्रों की मौजूदगी में विस्तारित तौर पर खुलासा भी किए गए। सबाई जानें जे आमरा आगामी काल के 17 और 18 दिसंबर असम राज्य अनुसूचित जाति मोर्चार कार्यनिर्वाहक सभा अनुष्ठित करते जाटार कल के विकाल 5 घटिकाय आमरा सभा उद्बोधन करब। ठीक विकाल 5 घटिकाय आमादेर अनुसूचित जाति मोर्चार कार्यनिर्वाहक सभार सभा उद्बोधन होबे আর তারপরেই আমরা ঠিক 6টার সময় বিকাল 6টার সময় 17 তারিখ আমাদের রাজ্যিক পদাধিকারী সভা হবে স্টেট অফিস বিয়ারার্স মিটিং, যেটাতে যেই সভা উপস্থিত থাকবেন আমাদের সাধারণ সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ শর্মা, তার সঙ্গে আরও কয়েকজন পার্টি নেতা থাকবেন আমাদের। এর ঠিক পরে 7টার সময় আমরা যে উপস্থিত থাকবেন ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারি অনারেবল সাংসদ আমাদের ভোলা সিংজি উপস্থিত থাকবেন আর ন্যাশনাল প্রভারি সুদীপ দাস ফ্রম ওয়েস্ট বেঙ্গল উনি উপস্থিত থাকবেন। 15वीं অর্থ কমিশন কে আধার পর আরংমারা গাঁও পঞ্চায়েত ক্ষেত্র মে 6 লাখ রুপয়ে কে লাগত সে বনা যা রহে সড়ক কে নির্মাণ কার্য কারণ তোর পে শিলান্যাস কিয়া মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যন। बुधवार धोलाई विधानसभा समष्टि के बोरजालंगा खंड उन्नयन अधिकारी के अंतर्गत आयंगमरा गांव पंचायत के 5 नंबर वार्ड में यह परियोजना प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के आधार पर विनोद माल के घर से 6 लाख रुपए की लागत से पंचदश अर्थ कमीशन के अंतर्गत कार्य का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में इलाके के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ आंचलिक पंचायत सभापति सुबोध दास, पश्चिम धोलाई जिला परिषद सदस्य लक्की रानी यादव, बोरजालंगा मंडल बीजेपी सभापति सुशील रंजन धर, आयरनमारा के जीपी सभापति प्रवीण भट्टाचार्य व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। আর এখানের পরে যখন আরেকটা রাস্তা উপরে যায় ওই আরেকটা রাস্তা, এই রাস্তা দেখা যায় না, এই রাস্তা দেখা যায়। এই যে রাস্তা, এই রাস্তার যারা সহযোগিতা করে সাহায্য করে কাজ করে তারা উপরে গিয়ে হউ রাস্তাটা সুন্দর পায়। এখানে যদি আমি ভালো কাজ করতে পারি, বাড়ির সামনের রাস্তাটা বড় বানাইতে পারি, উপরে গিয়েও আমি দেখব যে আমার হউ রাস্তাটা বড় আছে, সোজা স্বর্গে যাইব, আর নাইলে বড় গন্ডগোল লাগে। যেটার লেগে এখানে আপনারা যারা রাস্তার সহযোগিতা করছেন কররা, আপনারাও জানিয়ে রাখুন ঈশ্বরের কাছ থেকে যে রাস্তাটা আপনারা, আমরা সবও যেতে লাগবো একদিন, কোন না কোন রাস্তায় যাই আর তো দেখি আর না চোখে, হউ রাস্তাটা আপনারা ভালো থাকে। आने वाले 25 दिसंबर को गांधी शांति प्रतिष्ठान के उद्योग से सीजर के गांधी भवन में नगर पालिका विभाग के कुल 25 सफाई कर्मियों को संवर्धना प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही लोगों के बीच स्वच्छ भारत तथा साफ सुथरा माहौल बरकरार रखे जाने के क्षेत्र में कुल 25 बैनर सिलचर शहर के विभिन्न क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं। कई और पहलुओं को लेकर इस दिन गांधी शांति प्रतिष्ठान के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान विस्तारित तौर पर खुलासा एवं इटा मेमोरेंडम हमरा देखो एवं स्वच्छ सिलचर गढ़े तुलते हमरा आरो विभिन्न धरनेर एक अभिनव पंथा अवलम्बन करेछि जे सिलचर पौरसभार अंतर्गत जारा মানে অনবরত যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন, যারা সেবকরা, এই যারা সাফাই কর্মীরা, তাদেরকে আমরা সম্বর্ধনা দেব, তাদেরকে আমরা সম্মান জানাব, তাদেরকে প্রত্যেকের হাতে একটা করে ব্ল্যাঙ্কেট তুলে দিয়ে, তাদেরকে গামছা পুড়িয়ে, তাদের কপালে চন্দন দিয়ে এবং তাদের হাতে একটা স্মারক তুলে দিয়ে আগামী 25 ডিসেম্বর 11টার সময় গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠানে আমরা তাদেরকে সম্মান জানাবো। आने वाले 18 दिसंबर को सतनामी गुरु घासीदास की जन्मजयंती विभिन्न कार्यक्रम के जरिए उधारवन क्षेत्र में पालन किया जाएगा। सतनामी समाज सार्वजनिक गुरु घासीदास बाबा जन्मजयंती उद्यापन कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए इस संदर्भ में विस्तारित जानकारी दिया गया। गौरतलब है कि शनिवार को आयोजित इस कार्यक्रम में पहले एक वर्णाट्य भव्य शोभा यात्रा निकाला जाएगा, तत्पश्चात पूजा अर्चना के जरिए महाप्रसाद भी वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर आयोजक कार्यकर्ता तथा सतनामी समाज सार्वजनिक गुरु घासीदास बाबा जन्मजयंती उद्यापन कमेटी के कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह के माहौल भी देखने को मिल रहा है।
समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सर्व भारतीय संगठन गरीब भारत के उद्योग से पालन किया गया ऐतिहासिक विजय दिवस, कई जाने माने कीर्तिमान सेनानियों को दिया गया संवर्धना। आंध्र प्रदेश के नंदवाल रेल स्टेशन में सड़क हादसे में मारे गए तन्मय नाथ की परिवार सदस्यों के साथ बोरकला के विधायक ने किया मुलाकात, दिया आर्थिक सहयोग। हालाकांदी रोड क्षेत्र में गौतम कंस्ट्रक्शन के सड़क निर्माण कार्य पर कई सवाल दागा इलाके के लोगों ने, जमे हुए पानी से परेशानी झेल रहे इलाके के लोग। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए विभिन्न बैंक संगठन के कार्यकर्ताओं ने पालन किया धरना विक्षोभ कार्यक्रम। बेसरकारीकरण किए जाने के मुद्दे को लेकर नाराजगी व्यक्त किया बैंक कर्मचारियों ने। बोरकला विधानसभा केंद्र के हाथीचूड़ा क्षेत्र में सड़क हादसे में दो व्यक्ति बुरी तरह घायल, भेजा गया सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में। इलाके में छाई तनाव की माहौल। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।